प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, हम लोग जो है LRC अमीन के ट्रेनिंग लेक्चर प्रोग्राम जो है चल रहा था, तो आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि आगे के टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो अपना टॉपिक है खेसरो का नंबरिंग। राजस्व ग्राम मानचित्र विशेष सर्वेक्षण मानचित्र के आधार पर एवं ग्राम सीमा सत्यापन के पश्चात किस्तवार प्रकरण की अगली प्रक्रिया सभी खेसरों की क्रमवार उत्तर पश्चिम तो दक्षिण पूर्व की ओर नंबरिंग अमीन द्वारा किया जाना है। भूखंडों यानी पार्सेल्स का वर्क शीट में नंबरिंग का कार्य खानापूरी प्रारंभ करने के पूर्व किया जाना है, ताकि क्षेत्रफल का सही मूल्यांकन किया जा सके। विशेष सर्वेक्षण अमीन कृषि क्षेत्रों एवं आबादी या बस्ती क्षेत्रों की नंबरिंग लगातार करेंगे। इसके साथ ही यदि विशेष सर्वेक्षण अमीन किसी खेसरा को विशेष सर्वेक्षण मानचित्र में विभाजित करता है तो अपने फील्ड बुक में कटान किए गए खेसरों की दूरी यानी डायमेंशन को अवश्य ही नोट कर लेंगे, ताकि कंप्यूटर पर नया प्लांट तैयार करने का कार्य त्रुटि रहित रूप से किया जा सके। अमीन द्वारा एक ही रैयत के स्वामित्व के खेत या पार्सल जो नक्शे में क्रमिक रूप से अवस्थित हो तो उन्हें एक ही खेसरा बनाया जाएगा। अमीन द्वारा खेसरा में किए गए विभाजन एवं डायमेंशन नक्शा के साथ एजेंसी को उपलब्ध कराएंगे। यहां अमीनों के लिए आवश्यक है कि किस्तवार में कोई भी खेसरा वर्किंग शीट पर अंकित होने से टूट न जाए। अगर कोई खेसरा छूट जाता है तो ग्राम का एरिया स्टेटमेंट दोषपूर्ण होगा एवं प्रवर्तित चरण में ज़्यादा सुधार की आवश्यकता पड़ेगी। अमीन द्वारा एरियल मानचित्र के आधार पर संबंधित राजस्व ग्राम के स्थल सत्यापन में पाया जाता है कि पूर्व मानचित्र के किसी विशेष खेसरा में वर्तमान सर्वे में रैयत द्वारा मकान अथवा अन्य संरचना तैयार की गई है। इसके कारण एरियल सर्वे मानचित्र में मकान और प्रति भूमि अलग अलग खेसरा के रूप में परिलक्षित हो रहे हैं, तो इस स्थिति में नए मानचित्र में मकान समेत खेसरा को एक ही खेसरा माना जाएगा। यदि मकान और प्रति भूमि के स्वामित्व में अंतर पाया जाता है तो अलग अलग खेसरा का निर्माण किया जाना है। तद अनुसार हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को अग्रतर कार्रवाई के लिए प्रतिवेदित किया जाना है। अगर स्वामित्व एक ही रैयत का पाया जाता है तो एक ही खेसरा का निर्माण किया जाना है। प्रायः ग्रामीण क्षेत्र के आबादी वाले भाग में दो रैयतों के आवासीय क्षेत्र की भूमि आपस में मिली हुई होने के कारण मानचित्र में अलग अलग खेसरा नहीं बन पाता है अथवा त्रुटिपूर्ण बनता है, जिस कारण खेसरा पर स्वामित्व का विवाद उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में रैयत की स्वामित्व संबंधी कागजात के आधार पर मानचित्र में खेसरों का निर्माण अलग अलग किया जाना ज़्यादा व्यवहारिक होता है। मतलब जो खेसरों का निर्माण होता है वो जिसका स्वामित्व का कागजात जिसके पास है उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, खेसरों का निर्माण किया जाता है या खेसरों का नंबरिंग जो है किया जाता है।
उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि ग्राम आबादी या बस्ती का सीमांकन एवं राजस्व ग्राम के नक्शे का चादरों में विभाजन। मोटे तौर पर आबादी या बस्ती का प्रारंभिक सीमांकन शिविर प्रभारी एजेंसी एवं ग्राम के अमीन के साथ एजेंसी के लैब या लैपटॉप का निर्दिष्ट किया जाएगा। अमीन एवं शिविर प्रभारी नियुक्त रूप संयुक्त रूप से आबादी क्षेत्र का लाल स्याही से जो है चिन्हित कर एजेंसी से प्राप्त हार्ड कॉपी को पुनः एजेंसी को उपलब्ध कराएंगे। तद अनुसार एजेंसी द्वारा आबादी या बस्ती का मानचित्र तैयार कर खानापूरी हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। आबादी या बस्ती सीमांकन के लिए जो है सघन घरों या मकानों के अधिकतम फैलाव को जो है सीमांकित कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से डियर हम लोग जो है क्या किया जाता है कि जो खेसरा होता है या फिर जो हमारा सीमांकन यानी जो एरिया तय किया जाता है ग्राम आबादी का, वो राजस्व ग्राम के नक्शे के बेसिस पे किया जाता है और कैसे विभाजित किया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे हम आगे और देखेंगे तो ग्राम के आबादी बस्ती वाले भाग को क ख ग इत्यादि से क्रमिक रूप से वर्णित किया जाएगा तथा उसका मानचित्र बृहत स्केल मेट्रिक यूनिट प्रभासी होनी चाहिए अर्थात 1.1000 के स्केल पर निर्मित किया जाएगा। मूल मानचित्र के जिस अंश पर आबादी या बस्ती दर्शाने के लिए क ख ग इत्यादि लिखा रहेगा वहीं पर चादर संख्या का संदर्भ भी वर्णित किया जाएगा अर्थात किसी चादर में अमुक बस्ती का 1:1000 के स्केल पर बना हुआ मानचित्र उपलब्ध है। हवाई सर्वेक्षण एजेंसी एक से अधिक आबादी या बस्ती को भी एक ही चादर में सुविधा अनुसार प्रदर्शित कर सकेगी। आबादी या बस्ती वाले चादरों की संख्या का निर्धारण मूल चादरों की संख्या के बाद वर्णों के क्रमानुसार किया जाएगा। उदाहरण के रूप में अगर बात किया जाए तो यदि किसी राजस्व ग्राम के फैलाव 1:4000 के स्केल पर 5 चादरों में है तथा इस ग्राम के 3 सघन आबादी या बस्ती या टोला बसा हुआ है तो तीनों पृथक टोले के क्रम में क ख ग वर्ण उल्लेखित किया गया है। क और ख दोनों टोलों को 1:1000 के स्केल है पर एक चादर में और ग को 1:1000 के स्केल पर अन्य चादरों में प्रदर्शित किया गया है तो क और ख वाले चादर की संख्या 5+1 6 होगी और ग वाले चादर की संख्या 6+1 7 होगी। चादर संख्या निर्धारण की यही क्रमानुसार प्रक्रिया जो है अन्य ग्रामों के लिए भी जो है अपनाई जाती है। तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या करते हैं प्रॉपर तरीके से एक विभाजन किया जाता है हमारा ग्राम के जो राजस्व ग्राम है उसके नक्शों पर जो चादरों की संख्या है या जो चादरों हैं उसकी जो है विभाजन किया जाता है। अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पे दिया गया है कि चादरों के विभाजन में इस बात का ध्यान रखा जाए कि चादर के मार्जिन लाइन है के अनुवर्ती कोई खेसरा खंडित नहीं हो रहा हो। खंडित होने वाले खेसरों के अधिकांश अंश जिस चादर में पड़ रहा हो उसे उसी चादर में प्रदर्शित किया जाए। खेसरों को उसके पूर्णता में किसी एक चादर में ही प्रदर्शित किया जाएगा
अर्थात कोई नियत खेसरा हमेशा क्लोज्ड पॉलीगोन के रूप में किसी एक चादर में केवल एक ही बार प्रदर्शित होगा। ऐसे किसी भी सघन वसावट यानी इनहैबिटेशन को आबादी या बस्ती या टोला के रूप में दर्शाया जाएगा जहाँ भिन्न भिन्न घरों की न्यूनतम संख्या 10 से अधिक हो। अमीन सघन बसावट के परिधि जो निकटतम मेड़ उसे घेर रहा हो की जो आबादी है की सीमा के रूप में अंकित करेंगे। यदि मौजा में टोला बस गया हो तो अमीन टोले के सीमा को जो है मोटी लाइन से दिखाएंगे। तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या करते हैं, सघन बसावट जो है आबादी जो टोला है उसको प्रॉपर तरीके से दर्शाया जाता है। अगला जो हमारा LRC अमीन ट्रेनिंग के रिगार्डिंग जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे खेसरों से संबंधित अलामतों या भौतिक विवरणी का तत्संगत फिक्चर लेयर में एकत्रण। सर्वेक्षण प्रक्रिया से विदित है कि पुराने जमाने से ही नक्शा बनाने का अर्थार्थ है ग्राम के स्थल की प्रतिकृति यानी रिक्रिएशन ऑफ रियलिटी तैयार करना। पूर्व के समस्त सर्वे में भी चिन्हों की मदद से खेसरे की पहचान और स्थल की वास्तविकता को दर्शाया जाता था। वर्तमान में ही तर्कसंगत है कि इसके लिए अमीन किसी भी खेसरा में यथासंभव सरजमीन पर मिलने वाले उन समस्त अलामतों यानी चिन्हों की सूची बना ले जिसे नक्शे पर चिन्हित किया जा सकता हो। यहाँ यह बतलाना उचित होगा कि पूर्व में चूँकि एक ही कागज पर समस्त अलामत चिन्हों को दर्शाने का वादता होती थी इसलिए केवल उन्हीं अलामत चिन्हों को लिया जाता था जो बहुत महत्वपूर्ण होते थे। बहुत सारे अलामत चिन्हों को मजबूरी में छोड़ना पड़ा था। आज कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के बदौलत ऐसे जितने भी अलामत चिन्ह हों उन्हें संकलित करना संभव और आसान है। इससे नक्शे के उपयोग में कई गुना वृद्धि हो जाती है और सरकार के लिए बहुत से सर्वेक्षण संबंधित निर्णय आसान हो जाते हैं। खानापुरी के बाद GIS कार्य के लिए भी इससे काफ़ी सहूलियत मिलती है। अमीनों को ऐसे प्रत्येक खेसरा के सभी अस्थायी चिन्हों को सूचीबद्ध कर लेना चाहिए यथा कुआं, भवन, बड़े पेड़, टावर इत्यादि जिनका आकार एवं लगभग 4 वर्ग किलोमीटर या उससे अधिक हो। खेसरे की भौतिक विवरणी के संबंध में भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार पटना द्वारा निर्गत किए गए मापदंडों का अनुपालन किया जाएगा। अगला जो पॉइंट है हमारा वो दिया गया है एरिया स्टेटमेंट एवं खेसरे का यानी पेरेंट चाइल्ड संबंध विवरण। विशेष सर्वेक्षण अमीनों द्वारा राजस्व ग्राम के कृषि क्षेत्रों एवं आबादी बस्ती टोलों में नंबरिंग कार्य संपन्न किए जाने के बाद शिविर प्रभारी को समर्पित किया जाएगा। हवाई सर्वेक्षण एजेंसी नंबरिंग वाले मार्कशीट के आधार पर राजस्व ग्राम के लिए एक एरिया स्टेटमेंट तैयार करेंगे जिसमें प्रत्येक खेसरा का क्षेत्रफल दिया रहेगा। यहाँ इस बात का ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि समस्त खेसरों के क्षेत्रफल का योग राजस्व ग्राम के कुल
क्षेत्रफल के बराबर हो। क्षेत्र यानी फील्ड से संकलित संबंध संशोधनों यानी अपडेट्स को मानचित्र में समावेशित कर किस्तवार प्रक्रिया के उपरांत हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा पूर्व के कैडेस्टल खेसरो से जो है वर्तमान विशेष सर्वेक्षण मानचित्र के खेसरों का प्रपत्र में पेरेंट चाइल्ड संबंध विवरण प्रदर्शित करेंगे एवं सॉफ्ट कॉपी शिविर प्रभारी को समर्पित करेंगे। यहाँ पे बात किया जाए तो तीन टेबल बनाया गया। विशेष सर्वेक्षण में राजस्व ग्राम के खेसरों की क्रमवार संख्या, दूसरा पार्सल नंबर ऑफ ऑल द पेरेंट प्लॉट कंट्रीब्यूटिंग पार्शियली एंड तीसरा पार्सल नंबर फॉर ऑल पेरेंट प्लॉट कंट्रीब्यूटिंग कम्प्लीटली। ये आपका जो है दिया गया तीन कॉलम। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आगे का जो क्लासेस है वो आपको आने वाली जो अपकमिंग वीडियो होगी उसमें आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल MRS Study Official को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।